डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का यह मेरा चौथा और आखिरी एपिसोड है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पिछले 3 एपिसोड देख लिए होंगे, और अगर आप अभी तक आपने मेरे 3 एपिसोड्स नहीं देखे हैं नरेशन के ऊपर, तो इसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का चौथा और आखिरी भाग, कन्वर्सेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। इसमें क्या क्या आता है? प्रेयर या प्रार्थना, विश इच्छा, कर्स किसी को शाप देना, अभिशाप देना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद। तो ये जो सारी इच्छा बोधक वाक्य हैं, तो इसको जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो किस तरह से चेंजेस आते हैं आइए देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में ये एग्जांपल्स देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, रजनी सेड मे यू प्रॉस्पर माई डॉटर। रजनी अपनी बेटी के लिए कह रही है कि भगवान करे तुम बहुत उन्नति करो। इनडायरेक्ट स्पीच में यह हो जाएगा, रजनी विश्ड, विश कर रही है, इच्छा व्यक्त कर रही है, रजनी विश्ड दैट हर डॉटर माइट प्रॉस्पर, है ना, माई डॉटर है तो हर डॉटर हो गया, मे की जगह में क्या हो गया, माइट हो गया। ये चेंजेस कैसे होते हैं मैं पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ, और यहाँ दैट कंजंक्शन जरूर लगेगा। फिर अगला देखते हैं, अनुराग सेड मे गॉड ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। अनुराग बोलता है कि मृत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, अनुराग प्रेड मतलब भगवान से प्रार्थना कर रहा, तो प्रेड, अनुराग प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट पीस टू द डिपार्टेड सोल। मे का माइट हो गया, बाकी एज इट इज है, और यहाँ दैट आ गया कंजंक्शन, और प्रेड आ गया क्योंकि भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है इच्छा बोधक वाक्य। फिर डायरेक्ट में ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, अलविदा दोस्तों, वह बोलता है अलविदा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय, उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। तो ये हो गया। फिर देखते हैं डायरेक्ट, अजय सेड मे गॉड ब्लेस यू, है ना, अजय प्रेड भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अजय प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, यू की जगह में मी आ गया, किसी को बोल रहा है, मतलब सपोज मुझे बोल रहा है तो उसके जगह में मी आ गया। फिर डायरेक्ट में, माई मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो माई मदर ब्लेस्ड मी, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ऊपर प्रेयर है तो प्रेड आ गया, नीचे क्या है, मम्मी आशीर्वाद दे रही तो ब्लेस्ड आ गया। इसी प्रकार द पीपल सेड टू अमित मे यू डाई, तुम मर जाओ, लोग बोल रहे हैं अमित तुम मर जाओ, है ना, मतलब उसको शाप दे रहे हैं। द पीपल कर्स्ड, कर्स मतलब शाप देना, द पीपल कर्स्ड अमित दैट ही माइट डाई, अमित के लिए ही आ गया माइट, मे के लिए माइट आ गया, फिर डाई आ गया, क्योंकि यह रिपोर्टिंग वर्ब है, किसमें है, पास्ट टेंस में है। इसके बाद आगे देखते हैं, राहुल सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, राहुल ने मुझे कहा कि तुम सफल हो जाओ, है ना। इनडायरेक्ट इसमें ये राहुल विज्ड, विज मतलब इच्छा व्यक्त कर रहा है, राहुल विज्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस, है ना, मी बोल रहा है इसलिए आई आ गया, राहुल विज्ड मी दैट आई माइट गेट सक्सेस। अब आपने देखा यहां पर प्रेयर के लिए प्रे आ रहा है प्रेड, विश के लिए विज्ड आ रहा है, ब्लेस के लिए ब्लेस्ड आ रहा है, और कर्स के लिए कर्स्ड आ रहा है। तो वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कन्वर्सेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक वाक्य, जिसमें हम सडन फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग्स बहुत पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस के लिए आता है एक्सक्लेमेटरी, जैसे कि जॉय मतलब खुशी, सारो मतलब दुख, सरप्राइज मतलब आश्चर्य, एंगर मतलब क्रोध, कंटेम्प्ट मतलब घृणा या तिरस्कार, और अप्लाज मतलब प्रशंसा।
इस तरह के वाक्य जिसमें इस तरह के एक्सप्रेशंस जिन वाक्यों में आते हैं उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो इसमें किस टाइप के इंटरजेक्शंस आते हैं, मतलब जो पावरफुल फीलिंग्स और इमोशंस बताने वाले कौन कौन से शब्द आते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में, वो देखते हैं। इंटरजेक्शंस यूज टू शो स्ट्रांग फीलिंग्स एंड इमोशंस। स्ट्रांग फीलिंग्स और इमोशंस बताने वाले इंटरजेक्शंस कौन कौन से हैं? ओ मतलब दुख प्रकट करता है, आ दुख, अलास, हुर्रे, ब्रावो, वेल डन एटसेट्रा। ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये हमारे सडन फीलिंग्स और इमोशंस को बताते हैं, स्ट्रांग फीलिंग्स एंड इमोशंस को बताते हैं। और जिन सेंटेंसेस में ये एक्सप्रेशंस आते हैं, इंटरजेक्शंस आते हैं, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हिंदी में हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। आइए हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे चेंज होते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अमित सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच, मतलब हम मैच जीत गए, हुर्रे हम मैच जीत गए, मतलब खुशी व्यक्त कर रहा है अमित। तो अमित एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अपने मन से आपको जोड़ना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो ये जो एडवर्ब है या फिर एडवर्ब क्रिया विशेषण जो बताने वाले शब्द हैं वो आपको जोड़ना है। अमित एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। यहाँ एक चेंजेस आप और देख रहे हैं, वी हैव वन द मैच। वी हैव वन मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया आपका ये। लेकिन ये दे हैड वन द मैच कौन सा टेंस हो रहा है? दे हैड वन द मैच ये हो रहा है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये ध्यान में रखना है आपको। ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना ये पास्ट टेंस में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदल जा रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पिछले एपिसोड से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, तो उसको आप जाकर जरूर देखें। फिर डायरेक्ट स्पीच में देखिए, द ओल्ड वुमन सेड एलास माय वनली चाइल्ड इज डेड। हाय मेरा एकमात्र बच्चा मर गया, मेरा इकलौता बच्चा मर गया, बोल रही है बूढ़ी औरत। तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया? द ओल्ड वुमन एक्सक्लेम्ड विद सरो, मतलब दुख से चिल्ला रही हो, एक्सक्लेम्ड विद सरो, सडन फीलिंग है दैट हर ओनली चाइल्ड वॉज डेड। या देखिए चाइल्ड इज आ रहा है इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वो किस में बदल जा रहा है? वाज में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जा रहा है। फिर डायरेक्ट में मनीष सेड एलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, मतलब मैंने कितना मूर्खतापूर्ण काम किया, वो बोल रहा है रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया? मनीष कन्फेस्ड विथ रिग्रेट। ऐसे सेंटेंस में आपको लिखना है कन्फेस्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। अब ये देखिए आई हैव बीन कौन सा टेंस हो गया? आई हैव बीन ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये है आपका फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया यहां पर। तो लिख देता हूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। ही हैड बीन कौन सा टेंस हो गया? ही हैड बीन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि ये रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए डायरेक्ट, द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल प्लेड राजीव। ब्रावो मतलब शाबाश, राजीव तुमने बहुत अच्छा खेला। स्पेक्टेटर्स मतलब होता है दर्शक, दर्शक चिल्ला रहे हैं कि राजीव तुमने बहुत अच्छा खेला। वेल प्लेड, प्लेड वेल प्लेड कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वेल प्लेड। द स्पेक्टेटर्स अप्लॉडेड आर प्रेज्ड, मतलब वो प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको लिखना है अप्लॉडेड आर प्रेज्ड। द स्पेक्टेटर्स अप्लॉडेड आर प्रेज्ड राजीव सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेरी वेल। ही हैड प्लेड वेरी वेल, तो ही हैड प्लेड वेरी वेल हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहां पर जो ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तब ये चेंजेस आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो ये हमको जोड़ना पड़ा अप्लॉडेड और प्रेज्ड। इसी तरह इधर देखिए डायरेक्ट स्पीच में, द ऑर्फन सेड, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ बच्चा, ओ दैट माई पेरेंट्स आर अलाइव, काश मेरे माता पिता जिंदा होते।
है ना, तो उसकी डिजायर वह इच्छा व्यक्त कर रहा है। द ऑर्फन स्ट्रांगली डिजायर्ड, स्ट्रांग फीलिंग्स एंड इमोशन बता रहे हैं। द ऑर्फन स्ट्रांगली डिजायर्ड दैट हिज पेरेंट्स वर अलाइव। यहाँ कोई चेंजेस वर अलाइव में नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, काश मेरे माता पिता जिंदा होते। अब हम देखते हैं रूल्स। इन रिपोर्टिंग एन ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सप्रेसिंग अ विश अ डिजायर, जिसमें हम कोई इच्छा व्यक्त करते हैं, उन सेंटेंसेस को बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। और एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या बताते हैं, एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग फीलिंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। जब हम किसी सेंटेंस को जो या तो ऑपरेटिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जैसे सेड, तब किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, ऊपर हमने एग्जाम्पल्स दिया, उसके आधार पर हम देखते हैं क्या नियम निकल कर आता है। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू, रिपोर्टिंग वर्ब सब में सेड था, ही सेड, तो द रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होता है, विश आर प्रे एटसेट्रा इन ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस इच्छा बोधक वाक्य में क्या लिख देते हैं हम उसकी जगह में, प्रे, विश है ना, या डिजायर या फिर कर्स, ये सब हो, या ब्लेस, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम वहां पर करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या, कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कौन से वर्ड यूज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, एक्सक्लेम, अप्लाड, प्रेज, कन्फेस एटसेट्रा इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, है ना। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इन सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, देखिए इतने सारे नियम को याद रखना निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कठिन होगा, लेकिन मैं आपको इसका पृष्ठभूमि बता रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप बहुत आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। बार बार आप एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि टेंस चार्ट पर आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। उसी तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, तब वहाँ पर भी आपको पूरे टेंस स्ट्रक्चर का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। अगर टेंस पर आपका कमांड हो गया तो अंग्रेजी का रास्ता बहुत ही आसान है। द सब्जेक्ट इज वेरी इजी, दिस लैंग्वेज इज वेरी इजी इफ यू हैव गुड कमांड ओवर टेंस चार्ट। रूल नंबर टू, दूसरा रूल देखते हैं। द इंटरजेक्शंस एंड एक्सक्लेमेशंस आर ऑमिटेड एंड देयर सेंस इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस विद द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे हुर्रे, एलास, इन सब की जगह में क्या प्रयोग करते हैं, देखिए डायरेक्ट ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सेट इट इज, मतलब वो देख के बहुत खुश हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है, कितना सुंदर दृश्य है। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, ये वाट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है आपको इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में आप लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वह खुशी से चिल्लाया दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, साइट इट इज आया इट इज, तो यहां पर क्या हो गया, इट वॉज, इट इज की जगह में क्या हो गया, इट वॉज हो गया। ये सेंटेंस प्राय परीक्षा में आता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे इस टाइप के एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए इज आखिरी में आया लेकिन यहाँ पर शुरू में आ गया है, नहीं यहाँ पर इज आखिरी में आया उसकी जगह में यहाँ वाज इट के बाद में आएगा। इट इज हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इट वाज क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर देखते हैं, गुंजन सेड टू हर टीचर गुड मॉर्निंग सर, ऐसे एक्सप्रेशन ऐसे सेंटेंस भी आते हैं एग्जाम में। गुंजन विश्ड हर टीचर गुड मॉर्निंग, विश करते हैं जब स्कूल में जाते हैं तब, अपने टीचर को विश करते हैं कि नहीं आप लोग, तो गुंजन विश्ड हर टीचर गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टफुली, बहुत सम्मान के साथ उसने अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश किया। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके किताबों में मिलेंगे, कोई ना कोई ग्रामर का बुक तो आप जरूर रिफर कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे जरूर पढ़िए, बहुत सारी किताबें स्टैंडर्ड की किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। थर्ड रूल क्या है, द कंजंक्शन दैट इज जनरली यूज टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। कंजंक्शन दैट का प्रयोग हमको प्राय अनिवार्य रूप से करना है ऑपरेटिव सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में यह कंजंक्शन दैट प्राय आता है। जैसे उदाहरण में देखिए नीचे,
रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. रंजन सेड एलास आई एम रुइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया. तो रंजन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख से चिल्ला रहा है, दैट ही वॉज रुइंड. आई एम रुइंड का क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट. आई की जगह में ही आ गया क्योंकि रंजन बोल रहा है. आई वॉज, एम की जगह में वॉज रुइंड. फिर देखिए द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कप्तान प्लेयर्स को क्या बोलता है, ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, शाबाश तुम सब बहुत अच्छा खेले. यू हैव प्लेड वेल कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव प्लेड वेल. द कैप्टन अप्लॉडेड द प्लेयर्स, मतलब कैप्टन ने तारीफ करते हुए क्या बोला, द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. ये जो यू हैव प्लेड वेल ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव प्लेड वेल ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और दे हैड प्लेड वेल कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस. ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस. तो द कैप्टन अप्लॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड प्लेड वेल, ठीक है, कैप्टन ने तारीफ करते हुए क्या बोला, तुम सबने बहुत अच्छा खेला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस. ये ब्रावो वगैरह का प्रयोग हमको नहीं करना है, शाबाश. अब कन्वर्सेशन ऑफ पैसेज एंड रिपोर्टिंग ऑफ डायलॉग्स, अब ये परीक्षा में आता है खासकर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, इनके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको क्या है कि एक कन्वर्सेशन दे दिया रहता है, उसमें ब्लैंक्स रहता है, उस ब्लैंक्स को आपको भरना रहता है रिपोर्टेड स्पीच में. और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किसी डायलॉग को आप या फिर किसी कन्वर्सेशन को, मतलब वार्तालाप को, डायलॉग को कैसे आपको चेंज करना है. तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, इससे आपको सहायता मिल जाएगी. डायरेक्ट कुणाल सेड टू मी, कुणाल ने मुझे कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, प्लीज गिव माई एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर, कृपया मेरा आवेदन पत्र मेरे क्लास टीचर को दे देना. कुणाल सेड टू मी, कुणाल ने मुझे कहा. अब मुझे बताना इनडायरेक्ट स्पीच में कुणाल ने क्या कहा, तो कैसे बताऊंगा, कुणाल टोल्ड मी, सेड टू की जगह में क्या हो गया, टोल्ड हो गया. कुणाल टोल्ड मी दैट, आई एम इल की जगह में क्या हो गया, ही वॉज इल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, दैट ही वॉज इल एंड वुड नॉट गो टू स्कूल. शैल की जगह में शुड नहीं होगा, यहां पर वुड होगा क्योंकि ही हो गया, एंड वुड नॉट गो टू स्कूल. कुणाल टोल्ड मी दैट ही वॉज इल and would not go to school. Shall का यहाँ पे would हो गया. He requested me, यहाँ पर please आ रहा है, मतलब request कर रहा है. He requested me to give his application to the class teacher. To infinitive है, to give, है ना? तो क्या हो गया, Kunal told me that he was ill and would not go to school. He requested me to give his application to the class teacher. My application के जगह में क्या हो गया, His application हो गया. तो ये जो मैंने नीचे बना दिया है वो क्या है, एग्जाम्स में यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक रहेगा, उसको आपको भराना है. कन्वर्सेशन ऊपर वाला रहेगा, नीचे ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, वहां पे आपको चेंज करके लिखना होता है. स्कूल्स में तो प्राय एग्जाम में आता ही है. इसके बाद डायरेक्ट स्पीच देखिए कन्वर्सेशन का. गुड मॉर्निंग माई सन्स, सेड द मदर, देयर इज अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू, व्हाट इज इट, दे सेड. तो मम्मी बच्चों को क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग सन्स, है ना, मम्मी भी इसको कहती है उनको, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोगों के लिए समाचार है मेरे पास. तो बच्चे पूछते हैं कि वह क्या है. इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बोलेंगे, द मदर विश्ड, ये देखिए गुड मॉर्निंग कर रहा है, विश कर रही है मम्मी, बच्चों को गुड मॉर्निंग बोल रही है. द मदर विश्ड हर सन्स गुड मॉर्निंग एंड टोल्ड देम दैट देयर वॉज अ पीस ऑफ न्यूज फॉर देम, दे वॉन्टेड टू नो इट, मतलब बच्चे जानना चाहते थे. तो आज हमारा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच का चैप्टर समाप्त होता है. और अगर आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. और आप मुझे यह जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, कमेंट लिखकर कि मेरे एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं और यह पर्टिकुलर एपिसोड आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक में मेरे नए वीडियो चाहते हैं. तो मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.